प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही कर्म है, प्रेम ही पूजा, प्रेम ही सिद्धांत, प्रेम ही व्यवहार है, प्रेम ही कर्तव्य है, प्रेम में ही संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है, प्रेम से इतर कोई वस्तु नहीं है। जय माता दी बंधुओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है देसी भक्ति यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आपकी राशि के 2023 के प्रेम लव राशि फल के बारे में। इस वीडियो में हम आपको 100% सत बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में 2023 में लव के साथ होने वाली हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनमें से कितनी बातें आपके जीवन के लिए सत्य हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इसे अपनी राशि वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाएं। सिंह प्रेम राशि फल 2023। वर्ष 2023 में सिंह राशि के जातकों के प्रेम प्रसंग में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। सिंह प्रेम राशि फल 2023 में बृहस्पति साल भर दिखाई दे रहा है, लेकिन साल की शुरुआत में यह बाद में 12वें भाव में होगा। कुछ महीनों बाद यह 12वें भाव में दिखाई देगा, जो क्रेडिट का संकेत देगा। आपका जीवन बढ़ा हुआ दावा से भरा रहेगा। शुरुआत आपके प्रेम जीवन का सबसे शानदार समय होगा, जहां सब कुछ अच्छा और काम रहेगा। अभिनय के साथ आपका समय सबसे अच्छा गुजरेगा। अगर आप पार्टनरशिप की तलाश में हैं या अपने रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, तो शुरुआत आपके लिए सटीक सही समय है। लेकिन चीजें एक जैसी नहीं रहेंगी, कुछ समय बाद आखिरकार चीजें बदल जाती हैं और आपके प्रेम जीवन में भी वही कठिनाइयां आती हैं। बृहस्पति के चौथे या पांचवें महीने में प्रकट होगा और यह आपके प्रेम जीवन में सबसे कठिन समय और कड़ी मेहनत करेगा, जो जालसाज पैदा करेंगे और आपके जीवन में समान रूप से पूर्ण होंगे। सिंह राशिफल 2023 राशिफल आपको बहुत कुछ प्रदान करेगा। शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन बाद के महीने आपके प्रेम जीवन में कुछ परेशानियां लेकर आ सकती हैं। चौथे महीने के बाद आपके प्रेम जीवन में चीजें बदल जाती हैं। आपके और आपके साथी को आपके प्रेम जीवन में चेहरा मिलने वाला है, जो कि बदतर के लिए बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप इन पर काम करते हैं तो इन सब से बचाव किया जा सकता है। आप अन्य लोगों को जो सहायता प्रदान करते हैं, उनमें आपको अधिक भेदभावपूर्ण होना होगा। सिंह राशि वालों को प्रेम जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, हालांकि आपको अपने प्रेमी के साथ बहस करने से बचना चाहिए। इस राशि के कुछ लोगों को सच्चा प्यार मिल सकता है। अपने बॉयफ्रेंड से ऐसी कोई बात न कहें जिससे आप जुड़ जाएं। अगर आप प्यार के मामले में नए रिश्ते में प्रवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह साल आपके लिए लाभ हो सकता है। प्यार का अनुभव इस साल आपके लिए बेहद खूबसूरत हो सकता है। हालांकि प्यार की बात करें तो इस साल आप अच्छे और बुरे दोनों तरह के सबक से परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप इस साल की यादों को याद रखें और बुरी शिक्षाओं को एक साथ न रखें। हालांकि यह वास्तव में करना इतना आसान नहीं है। जो लोग अब तक अविवाहित हैं, वे अपने जीवन में इस साल कुछ नए लोगों को लेकर आ सकते हैं। खासकर जून के महीनों में कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर सितंबर, नवंबर और दिसंबर में आप उम्मीद पर खरे उतरेंगे। यह समय आपके लिए इतना खास हो सकता है कि इस महीने आपका अकेलापन भी दूर हो सकता है। आप केवल अपने अभिनय के साथ लेट नाइट पार्टी ढूंढ सकते हैं और लार्ज ड्राइव पर जा सकते हैं। इस साल आपको कोई ऐसा साथी मिल सकता है जिसके साथ आप अपना शेष जीवन तय करना चाहते हैं। प्यार के मामले में यह साल आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। आप महसूस करेंगे कि आप अपने संबंधों में पूरी तरह से शामिल हैं। कुल मिलाकर यह साल आपके लिए बिल्कुल शानदार रहने वाला है। आने वाले साल में अगर आपके मन में लव लाइफ को लेकर कुछ खास है, तो ज्योतिषियों से ऑनलाइन बात करें।
वे आपको उचित समाधान और समाधान देंगे जो नए साल में आपके प्रेम जीवन को आसान और अधिक काम करने में आपकी मदद करेंगे।